हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम के प्लेलिस्ट में आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर जो है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसका सिग्निफिकेंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे और द डिसीज एंड द कंडीशंस व्हिच आर कवर्ड अंडर दिस इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। ओके, तो प्लीज वीडियो को देखिए अंत तक। तो अभी जानेंगे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस एक्जैक्टली है क्या। तो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज मतलब स्टेट टू स्टेट जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की स्टार्ट किया जाता है टू नो द आउटब्रेक और टू सर्वे द आउटब्रेक एक एपिडेमिक को जो आउटब्रेक डिसीज जो रहता है जैसे कि कोरोना वायरस जो एक एरिया को लोकेलिटी के अंदर प्रोजेक्ट रहता है जो कि सर्वे करता रहता है और कोई आउटब्रेक है क्या नहीं तो प्रीवेलेंस ऑफ द डिसीज के बारे में जानता है। ओके, और कंट्रोल इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हम ले सकते हैं टू कंट्रोल द एपिडेमिक्स टू स्प्रेड ओवर वाइड एंड बिकम ए पैंडेमिक जैसे कि कोरोना वायरस। ओके, तो इस सब के लिए जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिस चीज़ को बोलेंगे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन आता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वेरियस थिंग्स लाइक हेल्थ सेक्टर्स हुए, यहाँ जिस पे आता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओके, कम्युनिटी जैसे कि एनजीओस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकता है, ओके, क्लिनिक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स पीएचसीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या कवर किया जाता है, यहाँ पे बोथ कम्युनिकेबल डिसीज और एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है कवर अप किया जाता है। और यहाँ पे रूरल हेल्थ सिस्टम अर्बन हेल्थ सिस्टम दोनों को इक्वली मायने रखा जाता है। ओके, ना कि पार्शियलिटी। और हेल्थ एजेंसी जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, सीडीसी जैसे बिग एसोसिएशन, डब्ल्यूएचओ लाइक बिग एसोसिएशन भी यहां पे पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो किसमें, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस प्रकार से, जैसे कि इट इज एन एस्टैब्लिश्ड डिसेंट्रलाइज सर्विलेंस सिस्टम इन द कंट्री। पहली बात जो है यहाँ पे स्टेट टू स्टेट यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द सेंटर, इट इज कन्फाइंड टू द स्टेट प्राइमरीली। ओके, प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। और दूसरा रहा टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ इम्पेंडिंग आउटब्रेक, एक एपिडेमिक का आउटब्रेक्स का वार्निंग सिग्नल्स क्या है यहाँ पे। तो रेट ऑफ द पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, न्यू डिसीज एमर्ज हो रहा है क्या नहीं, जो ऑलरेडी डिसीज है एक एपिडेमिक से एंडेमिक के पैंडेमिक का रूप ले रहा है क्या नहीं, तो इस सब के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है ये प्रोजेक्ट के अंदर। टू इनिशिएट कंट्रोल मेजर अर्ली बाय अलोकेटिंग द हेल्थ रिसोर्स मोर एफिशिएंटली। ओके, वही जो कंट्रोल मेजर्स क्या होना चाहिए एक डिसीज का या फिर एक आउटब्रेक का ये जानते हैं। और दूसरा रहा टू स्टडी द डिसीज पैटर्न एंड टू आइडेंटिफाई न्यू एमर्जिंग डिसीजेस, फिर ये भी बोल चुका हूं, द इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर द कम्युनिटी सर्विलेंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पैरामेडिकल पर्सनल सर्विलेंस सिस्टम। तो पैरामेडिकल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स भी, जैसे कि प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सब सेंटर्स हुए, ओके, पीएससी सेंटर्स हुए, यहाँ पे सब जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं कहाँ पे, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो प्रिजम्प्टिव रहेगा, सिंड्रोमिक रहेगा या फिर लैबोरेटरी फाइंडिंग्स या फिर लैब के अंदर जो भी फाइंडिंग्स आ रहे हैं। हाँ भाई, इसके इतने केसेस जो है लैब फाइंडिंग, लैब टेस्ट के अंदर इतने सारे लोगों को शुगर की बीमारी है या फिर इतने सारे लोगों को मलेरिया की बीमारी है इस मंथ, ओके, ये मंथ में इतने सारे इसके मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, या मे बी अ पैंडेमिक, इट मे बी एन एपिडेमिक, ओके, इट मे रिजल्ट, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ पैंडेमिक। ओके, यहाँ पे लैब टेस्ट का भी मायने इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ प्रिजम्प्टिव सिंड्रोम, जो बहुत सारे लोग एक ही टाइप के सिंड्रोम दिखाई दे रहे हैं, एक ही टाइप के वहाँ पे साइन एंड सिम्टम, उनके लक्षण, रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ सर्विलेंस प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो डिसीज जैसे कि मलेरिया हुआ, डायरिया, टाइफाइड, एक्यूट डायरिया मतलब बैक्टीरियल डायरिया या फिर बोल गए अमीबिक डायरिया या फिर डिसेंट्री, टाइफाइड हुआ, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स हुए, इसका प्रीवायलेंस और इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने वाले डिसीजेस जैसे कि पोलियो, मिजल, मम्स, रूबेला का इन्फेक्शन या फिर बोलिएगा टीबी का इन्फेक्शन हुआ। ओके, वैक्सीनेशन से प्रिवेंटेबल डिसीजेस अगर आउटब्रेक हो रहे हैं, उसका केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या मेजर्स लेना चाहिए, यहाँ सब प्रोजेक्ट्स में डिसाइड किया जाता है। ओके, तो पब्लिक इमरजेंसी और एनी हेल्थ इमरजेंसी है यहाँ पे, तो वो भी डिक्लेयर किया जाता है, वो भी बताया जाता है तो हायर अथॉरिटीज के को। ओके, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, टोबैको, न्यूट्रिशन और प्रॉब्लम या फिर रहा ब्लाइंडनेस, मास ब्लाइंडनेस हो रहा है, फिर कई लोग ब्लाइंड हो रहे हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन बैकग्राउंड का सीन क्या है, तो इसको पता करके इसके बारे में स्टडी करने का थिंग जो है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है। तो इसका सिग्निफिकेंस सेंट्रली जो है, इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द एपिडेमिक। तो एपिडेमिक को जानने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है सर्विलेंस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट जो है एक इफेक्टिव टूल रहेगा, एक इफेक्टिव बोलेगा एक इफेक्टिव वेपन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।